हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेमर्स का। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ सब भाई लोग बस बिंदास होंगे। तो यार आज हम बनाने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है, क्या बनाने वाले हैं? मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है। बनाने वाले हैं शुगर केन फार्म, बिल्कुल ह्यूज और बहुत ही बड़ा शुगर केन फार्म होने वाला है। ये बहुत ही तगड़ा बनाएंगे भाई इसको, तहलकेदार एकदम मजा आ जाए जिसको देखकर। तो चलो शुरू करते हैं। और हाँ यार, मेरी आवाज को फिर से इग्नोर करना, तुम्हारा भाई बीमार रहता है, बीमार आदमी है, तुम्हें पता है हालत बुरी रहती है मेरी, तो उसको इग्नोर मार दो, ठीक है ना। बीमारी को एक तरफ रखते हुए चलो शुरू करते हैं। और ये मेरी राज की बात है कि मैं हमेशा बीमार ही रहता हूँ, मतलब मुझे साइनस की प्रॉब्लम है यार, दिल पे मत लेना। चलो शुरू करते हैं। मेरा छोटा सा नाप लिया था पहले ही, मतलब मामला 1 2 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6, यानी एक फालतू हो गया, इसको तोड़ लेंगे। तो ये एरिया यार 5 का है, और ये वाला जो एरिया है इधर से गिरेगी तो ये 31 का है, तो ये 5 दोनों तरफ और ये 31, ठीक है ना, समझ गए। तो इस तरीके से है ये कुछ। तो फटाफट से बाकी का सामान लेकर आते हैं। तो यार हमें ब्लॉक चाहिए होंगे, ब्लॉक ऑफ रेड स्टोन चाहिए होगा हमें, जो मतलब अभी ज़रूरी है। ये भी रख लेते इधर, रेड स्टोन डल्ट डस्ट सॉरी। और क्या क्या चाहिए, गन्ना चाहिए होगा। तो भाई ये ब्लॉक तोड़ रहा है, मैं यहाँ पे लगाना है ब्लॉक, ठीक है। और ऐसे ही उधर कोने का तोड़ रहा है। तो भैया यहाँ पे चेस्ट लगानी है, और चेस्ट लाना हम भूल गए, जो कि चेस्ट में ही रखी है। कमाल की बात, देखो ना, चेस्ट को चेस्ट के अंदर रख देते हैं यार, स्पेस देखो यार चेस्ट का तुम, कमाल की बात। तो चलो फटाफट से जाके लगाते हैं। और तहलकेदार, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार इसके लिए, क्योंकि इसके फार्म बहुत तगड़े होते हैं यार इसके ना, ये तो आप सभी भाइयों को पता ही होगा। भाई मैं तो नया बंदा हूँ अभी, जावा में इतना मतलब पुराना नहीं हूँ, अगर हाँ ठीक है, ठीक है आपका भाई थोड़ा बहुत तो जानता ही है। तो ये कुछ इस तरीके से लग गया। अब इसके बाद हम इसको ऊपर तक बिल्डिंग बना देंगे इसकी। तो यार थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी हमसे, हमने ऊपर मतलब वैसे गड़बड़ नहीं हुई थी, वैसे सही था, मगर हाँ कुछ हो गया था, थोड़ा सा इधर उधर ब्लॉक हो गए थे थोड़े से, तो उनको सही करते हुए अभी हमने सही कर दिया है। और चेस्ट लगा दी है फटाफट से दोबारा से, जो कि हम लगा चुके एक बार, और अब होपर का काम है। समझ रहे हो। तो ये ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे, और अब पीछे से कनेक्ट हो, नहीं अबे पीछे का तो अभी बना ही नहीं है, सॉरी पीछे का बना देते हैं जल्दी से। ये लगता है इधर, चलो लगाता हूँ जल्दी। तो यार ये हमारा बन गया है। अभी हमें क्या करना है, ऐसे बीच में ना होपर को दोबारा से कनेक्ट करना है, समझ रहे हो, ऐसे। अबे गलत कर रहा हूँ, क्या हो गया मेरे दिमाग को, ज्यादा ही चल गया लगता है, ऐसे करके ये हो गया कनेक्ट, ठीक है ना। और ये एक ऐसे लगेगा। अब हमें इसको दोनों साइड ना 31 लंबे होपर लगाने हैं, मतलब 31 हाइट रखनी है, होपर इकट्ठे लगाने सीधे, समझ रहे हो ना क्या कह रहा है चारों। तो चलो फटाफट लगाते हैं। भाई मुझे डर लग रहा है अब नीचे जंप करते हुए, मेरा अगर काम 35 हो गया, ओ बच गया मगर फेल हो गया। चलो जान बच गई, हमारा आर्मर मजबूत है, यानी अब हम मरेंगे नहीं इतनी ऊंचाई से, अगर हमारा क्लच भी फेल हो जाता है तो डरने की कोई बात नहीं है। तो यार ये इस तरीके से दोनों तरफ लगेंगे ऊपर, पता नहीं मगर इसी तरह लगेंगे बिल्डिंग की तरह, अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे काम करेंगे। तो अभी बाकी इधर का करते, भाई कूदते फिर से, इस बार फेल नहीं होने दे रहा। अबे यार तुमसे ना हो पाएगा, रो गया फेल की तैसे। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम, पता नहीं क्या हो रहा है, वीडियो रिकॉर्ड करते भी होता है ऐसा, नहीं होता बंदा मेरे साथ। तो अभी हमें ब्लॉक यहाँ पर 37 हाइट के दोनों साइड ब्लॉक लगा दें, तो इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा मैं। भाई अब मैं रियल टाइम फेस मतलब फेस रिकॉर्डिंग, सॉरी मेरे मुँह से निकल गई। भाई मैं ना इस वक्त मतलब सीधा वॉइस ओवर कर रहा हूँ, समझ रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले कुछ वीडियोस में नहीं था, जैसे कि आपको पता है, कुछ भाई लोगों को पता ही है, साइड सी बात है। तो अभी बिल्कुल रियल टाइम चल रहा है, तो इसको फास्ट फॉरवर्ड ही कर दूंगा मैं एरिए को, क्योंकि पूरा बिल्डिंग सी खड़ी करनी 37 ब्लॉक की दोनों तरफ, क्या देख के बोर हो जाओगे।
तो भाई कुछ इस तरीके से लगेगा ये, और इधर ऐसे ही इधर वॉल कर खड़ी करनी है, और उसके बाद ऐसे ही इसको इधर से कवर करना है, समझ रहे हो? तो देख ही रहे होंगे यार कितना ह्यूज फार्म बनने वाला है ये, और तगड़ा बनेगा एकदम। अब हमें टेंशन नहीं होने वाली शुगर केन की, हालांकि इतना बड़ा बना रहा हूँ कि इतनी ज़रूरत भी नहीं थी शुगर केन की, मतलब अब कमी ख़त्म हो जाएगी और सारे फार्म भी तगड़े बनेंगे भाई अब हम, ताकि हमें किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो, समझ रहे हो? चलो तगड़े ही बनाएंगे अब। अगला फार्म बताओ मैं कौन सा बनाने वाला हूँ, कमेंट करके बताओ जल्दी से। खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। तो भैया फिर से करते हैं हम कूदने की कोशिश, और है मुगे मुके के कूद तो गए, और ये बाल बाल बचे, मतलब हो जाती यार कंप्लीट, इस बार हो गया था, मगर बस क्या बोलूँ यार मैं कितना एक्सपर्ट बंदा हूँ इसके अंदर, एमएलजी के अंदर। मगर जब वीडियो बनाते ना तो तुम्हें पता है ना जब क्या होता है, फिर मतलब जो तुम काम दिखाओ ना उसका उल्टा हो जाता है अक्सर। जैसे मैं पिरो हूँ मगर क्या करें भाई, अब तो डूब वाली हालत है भाई, देख रहे हो कितना ह्यूज है यार ये, बड़ा देखो यार कितना बनने वाला है, बहुत ही प्यारा लग रहा है एकदम खूबसूरत। तो हमेशा की तरह कुछ ना कुछ कमी रह जाती है जब आप बना रहे होते हो कुछ भी फार्म वगैरह, तो ऐसे ही हमारे इस वाले फार्म के साथ हो चुका है, एक कमी हो गई, हमें लैडर बनानी पड़ेगी। लैडर, हाँ लैडर, लैडर नहीं, लैडर बनाई थी मुझे याद है, लैडर बनाई थी शायद, पर ढूंढने की ज़रूरत है कहाँ रखी कहाँ है। लैडर बनाई है हमने, लैडर नहीं बनाई, तो भाई वो बनानी पड़ेगी। और ये हमारे साथ ही दुर्भाग्य वाला भाग्य अलग ही कार्ड हो गया ये, चलो कोई नहीं, लेटर बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है, बना लेंगे इजीली। पहले ये बना लेते जितनी बनेगी बना के, अभी के लिए काम चलाओ रहेगी ये तो ना, हमें यहाँ पे लगाना है क्योंकि आगे हमें ज़रूरत पड़ने वाली है इसकी बहुत ज़्यादा, तो लगाते चलो एक जितने भी लगती है पूरी ऊपर तक लगानी पड़ेगी, क्योंकि यार हमारे लिए इजी होगा ना, बार बार एम एल जी तो बहुत ही अच्छी जा रही है हमारी, बता रही है आपका भाई कितना एक्सपर्ट है। तो यार ये काफ़ी बनी गई, तो थोड़ी सी रह गई है, चलो कोई नहीं। अबे कितनी बड़ी ज़्यादा था ये हाइट, उसके बाद कवर हो गया, चलो कोई नहीं। तो अभी फिलहाल हमें क्या करना है, क्या करना है, हाँ हमें अब रेल की ज़रूरत है, रेल कार्ट की, इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो भैया ये हमारी बनके कंप्लीट हो चुकी है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अब हमें चाहिए ब्लॉक, स्मूथ ब्लॉक, तो वो लेकर आने पड़ेंगे फटाफट से और लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ढेर सारे चाहिए भाई, जितने आ सकते हैं धर लेते हैं, मतलब रख लेते हैं, भर लेते हैं, जो दिल कहे कह दो, मतलब जो दिल कहे सुन लो, पता नहीं क्या कह रहा हूँ यार मैं। तो अब हमें इधर ऐसे करके ब्लॉक लगाने, ये वीडियो मुझे पता कहाँ से मिली, मैं ढूंढ रहा था भाई, मुझे ज़रूरत थी शुगर केन फार्म की, तो यूट्यूब पर एक चैनल आदिल करके, उनकी वीडियो, उनका ट्यूटोरियल था ये, बड़ा अच्छा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तगड़ा ह्यूज है ही यही फार्म, तो मैंने कहा बनाते भाई। थैंक्स उन भाई को भी जिन्होंने बढ़िया ट्यूटोरियल डाला बना के, धन्यवाद। तो यार एक समस्या आ रही है, तो हमें ना यार ग्रास ब्लॉक लगानी है यहाँ पे, हालांकि टर्ट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर चलो कोई नहीं यार, एक आइडिया आ गया मेरे पास, कर लेंगे वही जुगाड़ कर लेंगे, काम करेगा ये है ना, तो बाद में देखा जाएगा, अभी फ़िलहाल इसी से काम चलाते हैं भाई। वीडियो बनाते बनाते दिमाग में एक आइडिया आ गया, अभी तो मैं यही लगा देता हूँ, इसके बीच में एक आधा ग्रास ब्लॉक लगा दूंगा सिल्क टच से, और ये तो पूरी ग्रास बनी जाती है ना, तो इसका हल हो गया ये मसला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ना इसके बीच में पानी भरना है, सबसे बढ़िया बात यह है, जो कि हम जिससे हम वो कर रहे थे ना, क्या बोलते हैं उसको, फुल मस्ती, पानी की दो बकेट, ये क्या रही, इससे भरेंगे भाई, जुगाड़ करेंगे, देखो कैसा, देखो अभी क्या करता हूँ मैं, चलो भाई, चलो भाई, ऐसे रखा और ये ऐसे रखा, अबे कुछ तो कर, अबे वो भर गया भर गया, देख रहे हो ऐसे काम करते भाई हम, ऐसे ही थोड़ी है हम भाई, पिरो बंदा तुम्हारा भाई, ऐसे ही थोड़ी,
अब पूरे में करना है बस और कुछ नहीं। अबे कतई नाक कटवाएगा ये, इसकी ऐसी की तैसी। बजिया भाई मैं तोड़ फोड़ देता, मैं तोड़ फोड़ मचा देता, बता रहा हूँ मैं। अच्छा हुआ बजिया, मतलब इस बार नहीं गिरा। अम्मा बहन पे आ जाता मैं, बता रहा हूँ इसकी। कोई नहीं भाई, ये कंप्लीट होने वाला है हमारा बस। तो फाइनली भाई हमारा बन के कम्प्लीट हो गया है। अभी हमें क्या करना है? अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे। वो लगाना है, क्या बोलते हैं उसके ऊपर भी। कहाँ गया? पहले ये दो उठा लेता हूँ भाई, ये काम की चीज़ है। पानी उठा लो यहाँ से। अब हमें ना ये लगाने हैं स्मूथ स्टोन, इनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें हर जगह, समझ रहे हो। तो इसको हमें इस तरह लगाना है, कुछ दिखाता हूँ आपको करके, ऐसे समझ रहे हो ऐसे करके लगाना है भाई। ये हो गया बन के हमारा कंप्लीट। अब पिस्टन लगाने हैं यहाँ पे फटाफट से, मतलब पूरे में ही पिस्टन लगेंगे दोनों तरफ भाई। ये बहुत ही गजब होगा यार, मैं एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा। कितना अंधा माल आने वाला है, यानी समझ रहे हो, कितना पैसा ही पैसा होगा। अभी ऊपर जाएंगे, ऊपर भी तो जाना है मेरे को। इसकी ऐसी की तैसी, चलो बाद में लगाएंगे इसको, पहले अभी इधर इधर का लगा देते, फिर जुगाड़ निकालेंगे कैसे करना है कैसे नहीं। यार मुझे ना स्कार्फ होल्डिंग बनानी चाहिए थी, है ना, जल्दी वर्क करता। दोनों तरफ लगाने हैं भैया, छोड़ो यार पानी से ऊपर आओ, तो इतनी मेहनत करनी। तो यार अभी हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे रेड स्टोन, और फिर रेड स्टोन के बाद आप समझ गए होंगे हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, ऑब्जर्वर। और ये इसी तरह तक ऊपर तक ये ऐसे ही बनेगा, समझ रहे हो। तो बस वही रहो, डायरेक्ट अब आपको बना के दिखा दूँ पूरा कंप्लीट करके, वरना पूरा प्रोसेस सेम फॉलो होना है। ये ऑब्जर्वर लगाने यहाँ पे, इनके कंप्लीट हो गया। अब हमें शुगर केन लगाने दोनों तरफ ही, समझ रहे हो। तो एक तो दिल कह रहा है मेरा यार कि इसको कंप्लीट करने से पहले ना मैं ग्रीन वाली घास लगा दूँ इन पे एक एक, ताकि ये जल्दी से रूप ले लें। ऐसे यहाँ पे शुगर केन बनेगा, समझ गए ना कैसे वर्क करेगा, समझ गए होंगे अब। और नीचे कहाँ गया ये, एक लगा दूँ यार तोड़ के। अबे सिल्क टच वाली नहीं दिया, सॉरी। ये हो गया हमारा काम, समझ गए ना क्या चारों में। अरे बाप रे, ये मैंने नहीं सोचा था भाई ऐसा भी कांड हो जाएगा। तो दोनों तरफ लगा देंगे ऐसे ही, है ना, और बाद में लगा देंगे गन्ना। तो अभी आ जाती है इसको तोड़ते ही। तो भाई अब ये दोनों तरफ वर्क करेगा बहुत बढ़िया। ओ भाई यार ज़ॉम्बीज भी आ गए यहाँ, तो बस क्रीपर का खतरा है मुझे, क्रीपर ना आवे यहाँ। भैया कहाँ से पिट रहा हूँ मैं? अच्छा नहीं, पीछे से आवाज़ आ रही थी, वो मतलब आवाज़ ही नहीं, ऐसा लग रहा था सूत रहा हूँ कोई पकड़ के, मगर मेरा वहम था। अब देखते हैं अगर इसने ग्रीनरी फैला दी चारों ओर, बढ़िया है, नहीं तो अपना गन्ना लगा देंगे, मतलब गन्ना बो देंगे चारों तरफ भाई। ये ह्यूज ऊपर तक ऐसे ही बनना है, समझ रहे हो ना, समझ गया ना कैसा खतरनाक भयंकर बनने वाला है ये। ऊपर जाने की ना बड़ी टेंशन होने लगी मुझे, और टॉर्च टूट जाती है यार, दिक्कत ये है कि ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और ऐसी की तैसी कर देते हैं यार, नाक में दम कर देते हैं, सही बता रहा हूँ। पहले तो ये लगाएंगे अब यहाँ पे, दोनों तरफ फिल कर देंगे, समझ रहे हो, तो जल्दी से कर देते हैं फिल। ये कुछ इस तरह से वर्क करेगा, मतलब जैसे नीचे प्रोसेस करा था ना हमने फॉलो, सेम टू सेम होगा इधर, समझ रहे हो। तो दिखाता हूँ किस तरीके से, सेम प्रोसेस फॉलो होगा सेम। अभी ये दो कैसे लगा दी? अच्छा अभी एक शिफ्ट करा था ना तो दूसरा, मगर ये तो तोड़ा था मैंने। नो गड़बड़, यहाँ पे हमारा ये रेड स्टोन लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे आएंगे होपर, डिट्टो नीचे वाली सेम टू सेम फॉलो करनी है हमें, नीचे वाला पैटर्न जितने फ्लोर बनेंगे ऊपर तक वहीं तक फॉलो करना है। ये बिल्कुल सेम प्रोसेस फॉलो होगा इधर और पूरे ऊपर तक ऐसे ही फॉलो होगा। बस वे रहो पूरा बना के दिखाओ आपको कैसा लगेगा। और हाँ नीचे एक और काम होने होगा, जो रुको मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होगा।
पहले ऑल क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट बना के दिखाता हूँ, क्योंकि यार फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपको पता ही है। और अब मैं फिलहाल बना भी रहा हूँ, ये इस तरीके से करेगा, ऊपर से गन्ने कटेंगे, नीचे गिरेंगे, मतलब ये कलेक्ट करेगा, सॉरी नीचे नहीं गिरेंगे, ये कलेक्ट करेगा, इधर पूरे शीशे लग जाएंगे और ये इधर से चेस्ट में डाल देगा, समझ गए ना। तो इस तरह वर्क करेगा, दोनों पूरा ह्यूज बड़े बड़े पूरे बन लगेंगे, तो दोनों तरफ मतलब अब बनाने के बाद ही दिखाता हूँ आपको कैसा लगता है। चलो मैं सोच रहा था यार कि शॉवल तो मैं खरीद लूँगा और उसके ऊपर लगा लूँगा, क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी 5B और सिल्क टच, मगर सिल्क टच की हमारे पास पिकैक्स है, तो मैंने सोचा इसी से ही अभी जल्दी से फटाफट से ग्रीन जितने हो सकते हैं ले लूँ और लगा दूँगा, क्योंकि ग्रीन हो जाते हैं यार आपको पता ही है ना, एक अगर ग्रास ब्लॉक हो तो पूरे ग्रास ब्लॉक बन जाते हैं डर्ट। तो भाई हमारे में थोड़ी सी लेदर की कमी रह गई थी जैसा कि आपने शुरू में देखा, तो इसलिए मैं विलेजर्स के घर तोड़ के लकड़ियाँ लेकर आया हूँ ताकि मैं बना सकूँ लेदर और मुझे दिक्कत ना हो, बिल्कुल भी कमी महसूस ना हो लकड़ियों की। तो इस सबसे पहले बनाएंगे स्टिक्स, फिर बनाएंगे लेदर। कमाल की बात ये, हमसे एक और गलती हो चुकी है कि हम ना ये लगानी भूल गए रेल, सब फ्लोर पर हमें बड़ी मेहनत करके लगानी पड़ेगी नीचे के, बाकी फ्लोर्स पर तो लगा ही देंगे अब, और बाकी मैं अब बहुत ही मेहनत करने वाली मतलब। अरे कहना क्या चाहते हो? यार हमारा ये बस एक ही लेयर बची है, पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो यार सबसे सेटिस्फाइंग चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ मैं, ये देखो सबसे प्यारी लगती है। देखो यार पानी की बोतल भर लेते हैं, नहीं तो भूल जाते हो, पूरा कितनी फास्ट हो जाता है यार, एक डलते ही पूरा जावा के अंदर सबसे मस्त लगता है यार। हमारा घर देखो कितना छोटा सा क्यूट सा लग रहा है, मुझे लग रहा है नहीं इतना बड़ा शुगर केन फार्म मैंने इधर बना के गलती कर दी, और इतने की पड़ेगी हमें ज़रूरत भी नहीं थी, अब मुझे एहसास हो रहा है, मगर बना लिया तो बना लिया, चलो कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो इसको इधर रखते, नहीं अभी हमें पहले क्या करना है, पहले हमें, अबे मैं भूल गया, असल में वीडियो डिवाइड हो गई। कैसे, मैं रुक गया था बीच में, जैसे आज बना रहा हूँ एक थोड़ा मतलब ये जो पार्ट है ये एक दिन बाद बना रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको पता आपका भाई बीमार रहता है जैसा कि मैंने आपको बताया, तो गलत लगा दिया, ये बीमारी की वजह से आपके भाई ने छुट्टी ले ली थी, मतलब उस दिन पूरा बनाते बनाते मैं रुक गया, क्योंकि यार फिर मैंने सोचा कि तबीयत ना बिगड़े, इससे बेटर है कि सुबह बनाऊंगा, तो इसलिए ये हुआ थोड़ा लेट। तो यार ये पहले ना इधर लगेगा, हाँ मैं भूल गया था फिर से, तो हमारा बस कंप्लीट हो गया, लास्ट लेयर बननी है और ये कंप्लीट। कुछ हमें पिस्टन रखे हुए मिल गए वहीं पर चेस्ट में जो हमने बनाए थे, उठाने भूल गए वहाँ से, और कुछ हमने बना लिए, तो मेरे ख्याल से हमें 29 की ही ज़रूरत थी, और हमारे 29 ही पिस्टन हो गए, और अगर कम पड़ा तो एक दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और अगर ज़्यादा भी हुए तो हमारे आगे किसी और काम में यूज़ हो जाएंगे, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। कुल मिला के हमारा काम बन गया, पिस्टन का काम हो गया, इधर वाले रो वाले लग गए थे बता रहा था ना मैं, तो भी ये लगाते फटाफट से। तो भैया लास्ट लेयर है ये, और ये कंप्लीट होने वाली है हमारी, और मुझसे खुशी का माहौल है मेरे दिल में बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा कुछ यार तो एक और काम करना पड़ेगा जो सही से जाने के लिए, हमें लॉग वुड लॉग की ज़रूरत पड़ेगी, ऑक लॉग जो होते हैं वुड वाले, वो वुड मतलब जो भी है,
तो उसकी जरूरत पड़ेगी। तो यार हमने जंगल तो बनाया हुआ पूरा है ही, इसको एरिया हो रहा उधर हमारा जंगल बना हुआ, उसको पूरा काट के इधर लगाना है। तो उसको करेंगे बाद में, या फिर कोई और डिजाइन दे देंगे, या वो ही दे देंगे सेम, देखेंगे अभी उसको लगाते हैं अभी फटाफट से। फाइनली हमारा बन के कम्प्लीट हो चुका है ये, बस अब ग्लासेस और लॉग जो मैं कह रहा था वही लगाने ऊपर। ये इसलिए लगाना ज़रूरी है भाई, कुछ पता नहीं कौन आके धब्बा बोल दे, मतलब धप्पा बोल दे क्या भाई, चलो भाई चलो क्रीपर ऊपर मौज मार रहे हैं पता चला, तो इसलिए लगाना ज़रूरी था। और अब सिर्फ हमें शुगर केन लगाना है और लॉग लगाने, जो हम लगा लेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई मैं डर गया अभी, मैंने कहा शायद हो गया काम, मगर नहीं, इतनी ऊंचाई से नहीं गिरे मरते भाई, हमारा प्लेयर तगड़ा है। तभी लॉग वॉग लगा के इसमें भी लाइटें लगाएंगे और हमें अब बस शुगर केन लगाने। और यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं वो ख़रीद ही लूँ शॉवल, जो है मेरा दिल कर रहा है इसको ग्रीन ग्रीन ही रख के पूरा, ताकि अच्छा लगे। तो चलो मैं शॉवल ख़रीद के उस पर सिल्क टच लगा देता हूँ जल्दी से। तो भाई अपने ये आयरन बेचारे बहुत काम आए और बहुत ही ज़्यादा यूज़ में रहे, कुछ घर में भी अभी पड़े हुए हैं, तो देखते हैं कितना क्या मतलब एमरल्ड मिलते हैं। और एमरल्ड भी है कुछ घर पे भी एमरल्ड पड़े, तो ला के शॉवल ख़रीद के उस पर सिल्क टच लगा लेंगे। और यार उसमें बैंडिंग भी लगानी पड़ेगी, जल्दी ख़त्म हो जाएगा नहीं तो। तो बैंडिंग तो बाद में लगाएंगे यार, क्योंकि ये विलेजर्स जो है अभी हमारे सस्ते वाले हुए नहीं है, इनको सस्ता वाला करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में पोशन वोशन बना के। तो अभी तो फ्लैट ट्रेड करके लेते हैं जल्दी जल्दी। तो भाई हमने सभी से ट्रेड कर लिए, अब बस ख़रीदना बाकी है। चलो शॉवल दो, मैं कौन सी दो, कहाँ हो मैं सोच रहा हूँ यार मैं वो कर लूँ शॉवल बना के ना, मैं इससे अच्छा क्या बोलते हैं इंचेंट कर लूँ, वैसे इसमें एफिशिएंसी और वो मिल रही है यार, अच्छी बात ही है। और हमें कितने चाहिए सिल्क टच लगानी है यार हमें, इसमें दिक्कत ये है सिल्क टच के लिए हमें अच्छा खासा पैसा चाहिए होगा यार ये सिल्क टच। तो यार अच्छी बात यह है कि हमारा जो है वो बन चुकी है सिल्क टच, मगर अफसोस इस बात का है, काश हम पहले ही बना लेते तो इतनी झंझटें ना होती, टेंशनबाजी ना होती इतनी, समझ रहे हो ना, डर्ट की कमी ना होती और हम ये बेकार का मामला ना कर पाते हैं। मतलब ग्रास ब्लॉक ही लगाते हैं, डर्ट की तो कमी अभी भी नहीं है, मतलब ग्रास ब्लॉक की कमी नहीं होती। तो चलो कोई नहीं, अभी करते हैं, जितने हो गए हो गए, जितने नहीं हुए, क्योंकि यार इसमें टाइम जा रहा है काफ़ी ज़्यादा और वीडियो लंबी हो जाएगी, वीडियो लंबी नहीं टाइम भी वेस्ट होगा, मुझे वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं बस अब तो ख़रीद ही लिया, क्या सोचना क्या, बस तो डायरेक्ट लगाएंगे भाई, जितनी होगी उठा लेंगे, समझ रहे हो। तो भाई अभी हमें पटरी पर ट्रेन छोड़नी है, यानी कि कार्ट लेकर आते हैं फटाफट से, सारी ऐसे ही काम कर जाएंगी, इसके लिए कोई हार्ड काम नहीं है। अभी हार्ड काम आएगा जब हम वो जो लॉग है ना वो लाएंगे और वो लगानी होगी, थोड़ा इसका फ्रेम बनाएंगे ग्लासेस से ना, समझ गए होंगे आप, जैसे होते हैं यार सर्वाइवल में सेम बनते हैं, बस ये थोड़ा ह्यूज हो गया, ज़्यादा बड़ा हो गया शुगर केन फार्म ये वाला। तो चलो इधर का एरिया हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, बस क्या बचा है अब ग्लास लॉग लाने, नहीं वुड लॉग, अरे ऑक लॉग, सॉरी 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 मुँह से निकल गया, छोड़ो यार छोड़ो, निकल जाता है मुँह से, मतलब मुँह से ही निकलता है, मगर हाँ मुँह से ही निकला है। तो भाई ये इस तरह से लग रहा कुछ, ये हमारा वर्किंग हो गया। अब हम लॉग लेकर आ जाते हैं पहले, है ना, उधर साइड का बाद में कर लेंगे, सेम ही है, लॉग इकट्ठा कर लेते हैं ताकि कुछ दिक्कत। तो चलो मिलते हैं लकड़ियाँ काटने के बाद। यह पेड़ का बुर्ज खलीफा ज़्यादा लग रहा है मुझे, कट ही नहीं रहा यार, इतना बड़ा पेड़ कैसे हो गया ये, एक ही पेड़ ने 25-30 लॉग देती, चलो हमारे लिए तो काम आसान हो गया। देख रहे हो जंगल बनाने का फायदा, घर के पास भैया मेरा पूरा एरिया जंगल बनाया भाई है, और अभी भी मैं रुक नहीं रहा, बनाए जा रहा हूँ जंगल, क्योंकि जंगल बनाने के यार कई फायदे। और मैं भाई देख रहा हूँ कितना ह्यूज है, यहीं से दिख रहा है वो, घर भी नहीं दिख रहा हमारा, मगर शुगर केन फार्म दिख रहा है। तो भैया अच्छी खासी लकड़ियाँ हम काट के ले आए हैं,
और अब बस लगानी बाकी है ना फ्रेम में, और ग्लासेस भी हैं अपने पास ठीक ठाक। मुझे लग रहा है ग्लासेस हमें कम पड़ने वाले हैं और ज़रूरत पड़ेगी। कितना सैंड पड़ा भी मेरे पास, सैंड भी यार कम है काफ़ी। चलो कोई नहीं, ज़रूरत पड़ेगी बना लेंगे। तो लॉक का मुझे पता नहीं था, वरना मैं पहले इकट्ठे करके रखता। अभी फ़िलहाल हो गया जितनी होनी थी फ़िलहाल के लिए, तो बाकी जो है वो बाद में करेंगे। तो अभी लगाते हैं फटाफट, ये एरिया बिल्कुल कंप्लीट ही कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से है ये, इधर लाइन बनेगी पूरी और ऐसे करके, समझ रहे हो समझ रहे हो। और मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है यार, मैं ना इसको पूरा वो ही बना लेता हूँ ना कंप्लीट, क्या बोलते हैं उसको, टेंशन ना होता कि मैं पूरा, या छोड़ो यार पूरे मतलब चारों तरफ से शेप सेम हो जाती है ना, वो सोच रहा था कर लूँ, और छोड़ो छोड़ो कोई नहीं भैया, कुछ इस तरह से बनेगा ये डिज़ाइन, समझ रहे हो। और हर इस एरिया में ऐसे लग कर और बीच में ग्लासेस। तो चलो जल्दी से फटाफट करते हैं। तो भैया हमारे साथ हो गया शॉट, शॉट वो भी तगड़ा भैया। ये हमने इतना बना लिया, कंप्लीट कर लिया। और ग्लासेस जो है इसमें ही भाई दो स्टैक खत्म हो गए, हमने गिनते के पांच या छह स्टैक बनाए थे। तो मुझे लग रहा है हमें ज़रूरत पड़ने वाली है किसकी, शीशों की। और भाई पीछे भी लगने हैं ग्लासेस, अभी तो एक साइड का कंप्लीट करना है, फिर पीछे का करूँगा। तो मैं तो अब ये लास्ट शॉट आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि भाई फिर से थोड़ा मुझे टाइम लग जाएगा इस वीडियो को, अगर मैं सब दिखाऊंगा सैंड लाने में लाते हुए, तो फिर आपको पता ही है मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। और भाई आप लोगों ने बोला है नहीं फास्ट फॉरवर्ड नहीं करनी बिल्कुल भी, मतलब करूँगा मैं इसमें भी करूँगा, काफ़ी जगह करूँगा वीडियो में आगे पीछे, देखियो करी है मतलब मैंने पीछे करी हुई है, क्योंकि करूँगा क्योंकि यार बनाने में एक स्लो अगर करूँगा तो घंटों लग जाएंगे। तो ये है, तो मतलब सैंड अब मैं डायरेक्ट लेकर आता हूँ, और क्या बोलते हैं उसको भैया, क्या कर सकते हैं अब बस बनाते हैं और क्या, क्योंकि मुझे लग रहा है कभी मतलब है तो अच्छा खासा पड़ा हुआ है अभी, दो मतलब ठीक ठाक स्टैक पड़े हैं, ये शायद दो स्टैक ही पड़े हैं बस उधर लग गए, तो एक आधी स्टैक और होगा एक्स्ट्रा में हमारे पास। और इतने में मुझे मतलब मुझे नहीं लग रहा कि बन पाएगा इतने में, तो इसलिए भाई मैं सैंड लेने जा रहा हूँ। मतलब यहाँ का इलाका तो वैसे भी हमने गंजा कर दिया, मगर जितना हो सकता है एक दो स्टैक तीन स्टैक तो निकल ही जाएंगे इधर एरिया में भी, नहीं निकले तो भी देखा जाएगा। तो कोई नहीं यहीं पर लग रहे हैं अभी तो, घंटा घंटे चार स्टैक पांच स्टैक जितने निकलेंगे बना लेंगे, उसके बाद जो है अपना इसको जला के रखेंगे। जितना हो सकता था उतना माल उठा लाए हम, छः स्टैक मतलब देखा जाए तो पांच स्टैक के आसपास ले आए हम, क्योंकि उसे छः नहीं काउंट करेंगे हम, एक दो तीन मतलब स्टैक छः ही बैठ रहे हैं, मगर छः इसलिए काउंट नहीं करेंगे क्योंकि भाई आधा स्टैक आधे से ज़्यादा ऑलरेडी सेंट हमारे पास पड़ा हुआ था, शायद आधा या उससे कम स्टैक मतलब था, तो साढ़े पाँच स्टैक समझ लो हम लिया है, दो स्टैक तो हो ही गए थे, और मतलब हाँ इतना ही समझ लो साढ़े पाँच स्टैक के आसपास लिया है हम। तो अभी बाकी बस सेंट ला के रखना है इसमें, एक दो तीन दोबारा ठीक है ना। मैं भाई कितना गन्ना पड़ा हुआ है देख रहा, वेस्ट कितना हो रहा है गन्ना। रीज़न पता है क्या है इसका भाई, क्योंकि अभी लगा नहीं ना सब शीशे वीशे, तो इसलिए पूरा वेस्ट हो रहा है, नीचे गिर रहा है भाई। और इसमें कितना आया अभी तक, ओ भाई एक स्टैक आ गया यूं ही चुटकियों में, देख रहे हो, ओ भाई करी चीज़ मिल गई यार कसम से। या एक स्टैक पहले से नहीं, उसमें पहले से कैसे था, चेस्ट चेस्ट भाई इधर भी तो आया है, देख भाई बहुत तगड़ा माल आने वाला है, समझ रहे हो, बिगेस्ट है ये बिगेस्ट। तो यार लगाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो मैं इसको ना यही बना रहा हूँ सारी वुड्स को, अब हमें टेंशन नहीं होगी, किधर से भी लगा दो कोई भी फेस करके ऐसी की तहसीन की, समझ रहे हो। तो इसलिए मैंने ये लिया है, देखो क्या फ़ायदा इसका, किधर से भी लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता है फ़र्क, मगर हाँ ये है कि इतना फ़र्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो, इतना बुरा नहीं लगेगा, इतना बुरा तो नहीं आते हो मेरे बारे में, इतना बुरा तो नहीं हालत बुरी है भाई काशी में, पहली बता देता हूँ हालत बुरी हुई है आपके भाई की, आपको पता ही है
खास तो रहता हूँ, तबीयत खराब रहती है आधे टाइम। जैसा कि भाई हमारा ये आप देख सकते हैं बनके कंप्लीट हो गया, इसका फ्रंट साइड मतलब भाई क्या बड़ा है यार ये, ह्यूज। मैं डर गया, मैंने कहा मैं जमीन निकल गई है क्या हो गया, जमीन खा गई। देखना भाई कितना ह्यूज है यार ये, देखो एक मिनट रुको, टिक 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 टिक, पीछे जाके दिखाता हूँ। निंजा हथौड़ा ही नहीं लग रहा प्लेयर मेरा यार, कितना ह्यूज है ये, बिल्डिंग लग रही है, घर देखना कितना छोटा सा लग रहा है इसके सामने। और अब हमें बस बैक साइड क्या करना है, और कमाल की बात बताऊँ क्या दिक्कत हो गई भैया, ग्लासेस जो हमने बनाए ना वो 6 स्टैक वो भी कम पड़ गए, तो अभी हमें और माइनिंग मतलब उस पर जाना पड़ेगा सैंड लेने, बस अभी एरिया रह गया। और देखते हैं भाई इधर कितना कंप्लीट हो गया, ये क्या बोलते हैं उसको, कितना कुछ करना आया कि इधर 1 2 3 4 5, तो भाई देखना कितने तगड़े स्टैक्स पड़े हुए इधर। तो भैया ले आए हैं ढेर सारा लावा और साथ में क्या बोलते हैं उसे, इनको चलाने का इंतज़ाम मतलब सैंड लावा बकेट्स, क्योंकि हमें चाहिए ग्लास। पीछे बैक साइड रह गई है इसकी, वो करनी है कंप्लीट, और भाई वुड भी लेकर आएंगे। तो बस ये दोनों चीज़ें, ग्लास का तो हो गया इंतज़ाम, बस अब वुड लानी बाकी है, और ये हमारा कंप्लीट हो गया समझो बन के। तो मेरे भाइयों फाइनली वो पल आ चुका है जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था, हमारा जो शुगर केन फार्म है ह्यूज वाला तगड़ा भाई, जो मुझे लग रहा है मैंने क्यों बनाया इतनी मेहनत करके, क्योंकि भाई वो तगड़ा बना है बिल्कुल, बहुत ही भयंकर। अभी टॉर्चेज वगैरह लगानी बाकी है। तो भाई ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये फ्रंट साइड हो गई, हमारा घर बच्चा सा लग रहा है, पहले बड़ा लगता था, बिल्डिंग लग रही है भाई बहुत तगड़ी। और अच्छा खाना नहीं खाया क्या अभी मैंने, चलो ये खा लेते हैं। अब इसकी आंखों में नहीं देखना करते भाई, भयंकर आदमी है वो, इसकी आंखों में नहीं देखेंगे अब, ये भी देख रहा है हमारी बिल्डिंग को, क्या भाई यहाँ तो कुछ नहीं था अब क्या आ गया। तो भाई ये कुछ ऐसा दिख रहा है इधर साइड से, समझ रहे हो। तो अभी हमने सिर्फ इसको बनाया है, और बनाने बनाने में आधे तो वेस्ट हो गए करने, सब कबाड़ा हुआ है, कुछ कुछ यूज़ में आए। तो अभी फ़िलहाल हम देखते हैं कितना हमारा मामला हुआ ना हुआ है इधर, अब ये क्यों डाल लो मैं। तो फाइनली भाई हमारा जो हुआ है ना एकदम सेटअप तगड़ा जिसे बोलते हैं, ये हमारे बनाने में जितना टाइम गया ना ये उसका कलेक्शन हुआ है गन्नों का, देख रहे हो। शुगर केन फार्म भाई, ये ह्यूज शुगर केन फार्म है, 2,500 गन्ने मतलब शुगर केन देता है, और अब शुगर केन की मुझे कमी नहीं होने वाली बिल्कुल भी, क्योंकि भाई जावा में है ये, और जावा में आपको पता है दूर दूर तक फार्म वर्क करते हैं। तो पता नहीं हमारे जितने भी फार्म है ना वो जावा के अंदर काफ़ी डिस्टेंस तक वर्क करते हैं, जहाँ तक मैंने मतलब देखा है। ये भी देखो अच्छे खासे हो गए हमारे पास फिर से आयरन इतने सारे यूज़ करने के बाद भी, तो अच्छा खासा टाइम गया इसको बनाने में, मगर बहुत ज़्यादा मज़ा आया भाई। लास्ट में यही कहूँगा मेहनत वेस्ट नहीं जानी चाहिए भाइयों। तबीयत ख़राब है यार मेरी, आवाज़ को फिर से इग्नोर करना कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो ये ज़रूर बताना, और कैसा लगा फॉर्म आपको ये भी बताना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। और अच्छी लगी हो वीडियो तो ज़रूर लाइक करना भाई, हो सके तो शेयर भी कर देना, कमेंट करके बताओ कैसी लगी वीडियो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। लव यू ऑल भाई, हो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। देखो यार क्या नज़ारे यार इसके, बिल्डिंग लग रही है भाई, स्काई स्क्रैपर बहुत तगड़ी। देखो यार ये इधर भी मुझे ऐसा बनाना था, मगर मैंने इधर लेटर लगा दी दोनों साइड, क्योंकि हमें ज़रूरत रहती है लेटर की, समझ रहे हो। इसको इधर हम लगा देंगे ऐसे करके बाद में ज़रूरत पड़ी तो, मगर लेटर इसलिए लगाया, रीज़न है इसके पीछे बहुत सारे। अभी अपने टॉर्चेज भी नहीं लगाई है, ऐसे करके इसको पूरा ऊपर तक कर देंगे, टॉर्चेज लगानी है हमें, लाटे टॉर्चेज ये सब लगानी है, जगमगाना एरिया, ताकि हमारा ये टूटे नहीं भाई। तो बस यही था भाई आज की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कैसा लग रहा है ये बताओ ज़रा मुझे कमेंट करके, और लाइक कर देना यार, मेहनत वेस्ट नहीं जानी चाहिए, ठीक है। देख रहा कितना छोटा लग रहा है घर हमारा भाई, दूर से देखो यार ये कितना ह्यूज है, मैं तो मतलब देख के मज़ा आ रहा है। तो भाई कमेंट करके बताओ नेक्स्ट क्या बनाएं, या अपने घर को सजाएं, या फिर आयरन फार्म बनाएं तगड़ा, और भी तगड़ा, इसमें काफ़ी टाइम जाता है AFK करने में। तो लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।